एक महिला अपने पति को छोड़ अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। चोरी छुपे वह उसके साथ रहती है। महिला और उसका प्रेमी पहले से ही विवाहित होते हैं तो दोनों के परिवार में भी फजीहत का दौर जारी रहता है। पति अपनी पत्नी को तलाशता है तो पत्नी अपने पति को, लेकिन फिर अचानक खुल जाता है पूरा मामला और तलाश के बाद आ जाता है सारा माजरा सामने। दरअसल ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि अपराध की वो दास्तां है जो लिखी गई राजस्थान के उदयपुर में, लेकिन पूरा माजरा सामने आने के बाद सामने आती है गुनाह की वो तस्वीर जिसके बाद हर कोई चौंक जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं गुनाह की पूरी तस्वीर उदयपुर से मनु राव की इस रिपोर्ट के जरिए। पर्यटन नगरी उदयपुर को अपराधों की नगरी कहा जाए तो अब गलत नहीं होगा। लाचार पुलिस और अपराधियों के बुलंद हौसलों से खास आम का जीना दूभर हो गया है। मंगलवार रात भी उदयपुर की रिहायशी इलाके में फिल्मी अंदाज में एक प्रेमी युगल का अपहरण कर लिया गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। दो लग्जरी गाड़ियों में आए एक दर्जन अपराधी शहर छोड़कर चले गए, तब कहीं जाकर पुलिस की नींद खुली और नाकाबंदी करवाई गई। इस दौरान गोंगोदा क्षेत्र में आरोपियों को पुलिस की गाड़ी नजर आई तो वे फिर उदयपुर की तरफ मुड़ गए, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो सभी लोग गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी में बेहोश हालत में मिली महिला को अपनी कस्टडी में ले लिया और जांच शुरू कर दी। अल सुबह पुलिस को थोड़ी ही दूरी पर सड़क किनारे युवक की लाश भी मिल गई। वाकई मंगलवार रात यहां एक बड़े अपराध को अंजाम दिया गया जिससे पूरी कॉलोनी जाग गई, लेकिन पुलिस की नींद नहीं खुली तो स्कॉर्पियो में आए एक दर्जन लोगों ने रात करीब 1:30 बजे इस मकान की ऊपरी मंजिल पर खूनी खेल खेला। इसकी कहानी अस्त व्यस्त हुए कमरे और खून के धब्बे देखकर साफ बयां होती है कि किस तरह दुनिया से छुपकर रहने वाले पहले से शादीशुदा इस युगल देवेंद्र और पूनम विश्नोई को उठाकर उनकी पिटाई की गई, किस तरह सीढ़ियों से घसीटकर गाड़ियों में डाला गया और पूरी कॉलोनी ने इस युगल की चीखों की आवाज तो सुनी लेकिन किसी ने उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया। गत रात्रि को सिद्धार्थ नगर जैन कॉलोनी से एक युवक और युवती को प्रकाश विश्नोई नाम के आदमी और उसके साथी लोग अपहरण करके ले गए। रात्रि को मौके पर अधिकारी और पुलिस पहुंची। दो स्कॉर्पियो गाड़ी में करीब 8-10 लोग बताए गए, गाड़ियों की नाकाबंदी कराई जिसमें से एक गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर इसवाल के आसपास पड़ी हुई मिली और अपहृत युवती को गोगुंदा पुलिस की सहायता से वहीं बरामद किया गया। लेकिन जिस देवेंद्र नाम के युवक का अपहरण किया गया था उसका डेड बॉडी आज इसवाल के पास में माधोपुरा रोड करीब हाईवे से 2-3 किलोमीटर अंदर डेड बॉडी उसकी बरामद हुई है।
युवती को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और लगातार पूछताछ जारी है। पता चला है कि मृतक देवेंद्र की पत्नी और पूनम दोनों ने यहीं पर रहकर एसटीसी की थी, तभी से देवेंद्र और पूनम में प्रेम हो गया और शादीशुदा होने के बावजूद भी यह प्रेम दीवाने सारे सामाजिक रिश्तों की परवाह किए बिना छुपकर उदयपुर आ गए। पूरे समाज में इस घटना का विरोध हो रहा था। यह बात पूनम के पति प्रकाश विश्नोई को नागवार गुजरी और उसने दगाबाज पत्नी और युवक को ठिकाने लगाने की योजना बनाकर दोनों का अपहरण कर लिया और देवेंद्र को मौत की नींद सुला डाला। जो संदिग्ध मुलजिम है उनकी तलाश सरगर्मी से जारी है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया ये प्रेम प्रसंग को लेकर कोई बदले की भावना से किया हुआ अपराध है। किस तरह दिया आरोपियों ने वारदात को अंजाम? आरोपियों ने इसकी रेकी करीब देवेंद्र और इसकी, और इनका लोकेशन इनको पता लग गया रात को, तो उन्होंने दरवाजे वगैरह तोड़ के अंदर घुस गए और दोनों को उठा लिया। पत्नी की दगाबाजी से खफा पति प्रकाश विश्नोई ने पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने आरोपी प्रकाश को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है, लेकिन उदयपुर में हुई इस वारदात के बाद पुलिस के लिए भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। पर्यटन नगरी उदयपुर अब अपराधों की नगरी में तब्दील होता जा रहा है। बेखौफ होकर अपराधी अंधेरी रातों में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मंगलवार देर रात हुई वारदात ने तो पूरे शहर में सनसनी फैला दी। बदमाश रिहायशी इलाके से एक प्रेमी युगल का अपहरण कर ले गए, लेकिन खाकी की रात्रि गश्त को हवा तक नहीं लगी। मामला चाहे विवाह के बाद अवैध संबंधों का भी क्यों न हो, लेकिन फिर भी पुलिस की रात्रि गश्त की कमजोरी की वजह से एक शख्स की जान तो चली ही गई। उदयपुर से कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह गहलोत के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए मनु राव। और वहीं इस मामले में मिले ताजा अपडेट के अनुसार पुलिस ने महिला के पति प्रकाश विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक ये खबर थी कि पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है, लेकिन अभी पुलिस ने एक आरोपी प्रकाश को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पूनम और देवेंद्र के बीच अवैध संबंधों की दास्तां के चलते प्रकाश ने पहले दोनों का अपहरण किया और फिर देवेंद्र को मौत की नींद सुला दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। वहीं प्रकाश के दूसरे साथियों की तलाश भी सरगर्मी से की जा रही है।